दोस्तों कहते हैं कि यहीं से हस्तिनापुर के राज्य के बंटवारे को लेकर और अधिकार को लेकर एक संघर्ष शुरू हुआ और जो महाभारत युद्ध तक पहुंचा। आज हम महाभारत की अगली वीडियो लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि किस तरह से राजा दुष्यंत और शकुंतला का मिलन हो जाता है और राजा दुष्यंत देववाणी के बाद शकुंतला को सहसम्मान राजभवन में ले आते हैं और महारानी का दर्जा उनको देते हैं। अब हम आगे की कहानी को जानेंगे। समय धीरे धीरे बीतता गया और राजा दुष्यंत अपना राजपाट करने के बाद वृद्ध हो गए और वृद्ध होने के बाद उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया और संन्यास लेने के लिए उन्होंने अपने पुत्र भरत को राज सिंहासन सौंप दिया। अब दुष्यंत का पाठ यहाँ से समाप्त हो जाता है और दुष्यंत के बाद फिर भरत ने हस्तिनापुर पर राजपाट किया। जैसा कि देववाणी में पहले ही बताया जा चुका था कि जो भरत हैं वे समस्त पृथ्वी पर राज करेंगे और उन्होंने वैसा ही किया भी। मित्रों, भरत ने चारों दिशाओं में उनका साम्राज्य था और उन्होंने लगभग समस्त पृथ्वी पर राज किया और 101 अश्वमेघ यज्ञ भी उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए, जिसमें से एक यज्ञ उन्होंने अपने नाना कण्व ऋषि के कहने से भी कराया। जब वह समस्त पृथ्वी को जीतने के बाद आए और उन्हें लगा कि अब वह भी संन्यास लेना चाहते हैं और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए, यह बहुत बड़ी एक विडंबना थी उनके सामने, क्योंकि राजा भरत के 9 पुत्र थे और राजा भरत एक ऐसी नींव डालना चाहते थे। वह चाहते थे कि जो हस्तिनापुर का नरेश हो, जो हस्तिनापुर का राजा हो, वो केवल जन्म के आधार पर ना बने बल्कि वो कर्म के आधार पर बने। जब उनके राजगुरु ने उनसे कहा और महामंत्री ने कि अब आपको अपना उत्तराधिकार घोषित कर देना चाहिए, इस समस्या से निपटने के लिए वे कण्व ऋषि के पास जाते हैं और उनसे सहायता मांगते हैं। उनसे कहते हैं कि हे ऋषिवर, जो कि रिश्ते में उनके नाना भी लगते थे, शकुंतला के पिता थे, वे उनसे कहते हैं कि हे गुरुवर, मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि मेरे 9 पुत्र हैं और 9 पुत्रों में से कोई भी राजा बनने के योग्य नहीं है और मैं चाहता हूँ कि राजा वही हो जो एक राजा बनने के योग्य हो, जो प्रजा के साथ न्याय कर सके, राज सिंहासन के साथ न्याय कर सके और स्वयं अपने साथ भी न्याय कर सके, परंतु मैं अपने 9 पुत्रों में से किसी में भी ऐसा कोई गुण नहीं पाता। तो कण्व ऋषि कहते हैं कि हे राजन, तुमने समस्त पृथ्वी को तो जीत लिया परंतु तुम स्वयं से हार गए, इस प्रश्न का निर्णय तो तुम्हें स्वयं ही करना है। उसके बाद राजा भरत राजभवन में लौट आते हैं और वह अगली सुबह अपने महामंत्री को एक पत्र प्रेषित करते हैं जो राजसभा में पढ़कर सुनाया जाता है और वह उसमें बताते हैं कि जिसमें वही अपना निर्णय देते हैं कि वह अपने 9 पुत्रों में से किसी को भी राजा के योग्य नहीं पाते और वह अपनी प्रजा में से भी किसी अन्य के पुत्र को राजा घोषित करते हैं। मित्रों, यहाँ के इसके बाद ही उनके 9 पुत्र उनसे रुष्ट हो जाते हैं और बाद में उनकी माता शकुंतला उनसे कहती हैं कि हे पुत्र, तुम कैसे पिता हो, तुमने अपने पुत्रों का अधिकार किसी अन्य को दे दिया। तो भरत उनसे कहते हैं कि हे माता, मैं एक ऐसा पिता हूँ जो पिता होने के साथ साथ एक राजा भी हूँ और राजा का ये कर्तव्य है कि वो अपने प्रजा के लिए ऐसा उत्तराधिकारी दे जो उनकी रक्षा कर सके, जो उनका सम्मान कर सके और राजा के पूर्ण योग्य हो, परंतु मेरे पुत्रों में ऐसा कोई भी गुण नहीं था। दोस्तों कहते हैं कि यहीं से हस्तिनापुर के राज्य के बंटवारे को लेकर और अधिकार को लेकर एक संघर्ष शुरू हुआ और जो महाभारत युद्ध तक पहुंचा। अब हम उसके बाद जितने भी राजा हुए वह सब अपने नाम के आगे भारत लगाने लगे, क्योंकि भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा
और सभी लोग, सॉरी मित्रों, बाय करो, बाय करो, सामने देखो चैनल चल रहे हैं, बाय। ये हमारा पुत्र है पुरु, तो पुरु भी आपको कहानी सुनाएगा, पुरु का भी चैनल है, लाइक कीजिएगा और पुरु की वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मित्रों उसके बाद जितने भी राजा हुए कुरु वंश में वह सभी भारत कहलाए, और उनका जो वंश था वह भरत वंश कहलाया। अब आगे की वीडियो में हम बताएंगे फिर इसके बाद जो नींव राजा भरत ने डाली थी कि कर्म के आधार पर ही राजा होगा ना कि जन्म के आधार पर, वो कहां जाकर टूट गई और किस प्रकार से इस कुरुवंश का जो है वो अंत हो जाता है, पुरुवंश का अंत होता है और कुरुवंश का प्रारंभ होता है। तो बने रहिएगा वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चलिए पुरु बाय, बाय कर दो, पुरु बाय करो, बाय। हाँ।